क्या चीन में सेना शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत करने का प्लान बना रही है? क्या शी जिनपिंग अपने ही मंत्रियों से डरने लगे हैं? क्या जिनपिंग को अपने आइडियोलॉजिकल ब्रदर रूस की तरह विद्रोह का खतरा सता रहा है? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि महीने भर के अंदर चीन में दो ऐसे बड़े वाक्य हुए हैं जिनकी वजह से ये शक पैदा हुआ है। कौन से, आप भी गौर कीजिए। पहला वाक्य जुड़ा है चिनगांग की गुमशुदगी से। उन्हें चीन के विदेश मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, कुछ महीने पद भी संभाला, बड़ी मीटिंगें की, लेकिन 25 जून से वो अचानक गायब हो गए। उसके बाद पुराने वाले विदेश मंत्री वांग यी को वापस पद सौंप दिया गया। दूसरा वाक्य हाल ही का है। चीन की सेना के रॉकेट यूनिट के हेड जनरल ली युचाओ और उनके करीबी अफसरों को रिप्लेस कर दिया गया है। ली युचाओ लंबे समय से गायब थे और उन पर करप्शन से जुड़े केसेस भी चल रहे थे। अब ली की जगह वांग हुबिन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब इन दोनों घटनाओं पर गौर कीजिए। एक चीन का विदेश मंत्री जिसके पास दुनिया के साथ डील करने का पावर, दूसरा सेना की रॉकेट यूनिट का कमांडर जिसके अंडर में कई परमाणु हथियार भी आते हैं, दोनों अचानक गायब हुए और फिर एक दिन उनके पद पर किसी और को बैठा दिया गया। चीन में ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों का गायब होना कोई नई बात नहीं है। जानकार बताते हैं कि जब भी शी जिनपिंग को जरा सा भी डर महसूस होता है वो उसे साइडलाइन कर देते हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे चीनी सेना के रॉकेट यूनिट के चीफ ली युचाओ को क्यों दरकिनार किया गया, नए वाले चीफ वांग हुबिन कौन है, और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या वाकई शी जिनपिंग को विद्रोह का डर सता रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी, जहां आज चर्चा करेंगे चीन की। पर सबसे पहले बेसिक्स हम थोड़े से क्लियर कर लेते हैं। चीन ईस्ट एशिया में पढ़ने वाला देश, आबादी 140 करोड़, भाषा मैंड्रिन चाइनीज, राजधानी बीजिंग है। चीन भारत, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, साउथ कोरिया, म्यांमार, भूटान जैसे देशों के साथ सीमा साझा करता है। मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीन में वन पार्टी सिस्टम है, मानिए एक ही पार्टी से हेड ऑफ द स्टेट चुनकर आएगा। CCP दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक है, उसका कैडर लगभग 10 करोड़ लोगों का है। शी जिनपिंग नवंबर 2012 से CCP के जनरल सेक्रेटरी हैं, यानी पार्टी के सबसे बड़े अधिकारी। इसके अलावा वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी कि CMC के चेयरमैन भी हैं, यानी चाइनीज आर्मी की कमान भी उनके हाथों में है। चाइनीज आर्मी को पीपल्स लिबरेशन पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में से PLA भी कहते हैं। शी जिनपिंग ने मार्च 2023 में PLA को और मजबूत करने की बात कही थी, कहा था कि सुरक्षा ही विकास का आधार है, स्थिरता रहेगी तभी समृद्धि आएगी, हमें चीनी सेना का मॉडर्नाइजेशन करते हुए उसे ग्रेट वॉल ऑफ स्टील बनाना है। जिस PLA को जिनपिंग ग्रेट वॉल ऑफ स्टील बनाना चाहते हैं, वो दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत आर्मी मानी जाती है, नंबर वन पर अमेरिका और दूसरे पर रूस को गिना जाता है। वैसे PLA की 5 शाखाएं हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, रॉकेट फोर्स और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स। इसमें चौथी वाली रॉकेट फोर्स की चर्चा आज हम करने वाले हैं। चीन में रॉकेट फोर्स की स्थापना जुलाई 1966 में की गई थी। इस डिपार्टमेंट के अंडर में पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें और न्यूक्लियर मिसाइल दोनों आती हैं। 2010 के पहले तक चीन मिसाइल के मामले में काफ़ी पीछे था। फिर साल 2015 में जिनपिंग ने सैन्य सुधार पर जोर दिया, इसके बाद मिसाइलों की संख्या भी बढ़ी और नए सैन्य अड्डे बनाए गए। साल 2020 में चीन के पास कुल मिलाकर 320 परमाणु हथियार होने का अनुमान लगाया गया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2028 तक इस यूनिट ने 1000 से ज्यादा मिसाइल का जखीरा इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। वहीं अगर हम बात करें रॉकेट यूनिट की, तो इसमें 1,20,000 के करीब आर्मी पर्सन्स काम करते हैं। इसके चीन में अलग अलग जगह 6 बेसिस स्थित हैं। यूनिट के पास ऐसी मिसाइलें भी हैं जो 12,000 से 15,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती हैं। रॉकेट यूनिट का हेडक्वार्टर राजधानी बीजिंग में है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा लैंड बेस्ड मिसाइल का हथियार घर भी मौजूद है, ये भी रॉकेट यूनिट के अंडर में आता है। ये सब बताने का मकसद यही है कि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि ये रॉकेट यूनिट असल में कितनी पावरफुल है। रॉकेट यूनिट का एक और बड़ा कारनामा आपको बताते हैं। आपको अगस्त 2022 में नैन्सी पेलोसी का दौरा याद होगा, वो अचानक ताइवान पहुंच गई थी। नैन्सी उस वक्त अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर थी। अमेरिका हमेशा से अपने आप को ताइवान का हिमायती बताता आया है, चीन इस बात से चिढ़ा रहता है।
चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, वहीं चीन को यह भी लगता है कि अमेरिका ताइवान से ज्यादा दोस्ती ना बढ़ा ले। उसे ये डर है कि अमेरिका से ज्यादा दोस्ती में ताइवान से उसका प्रभाव कम ना हो जाए, इसलिए वो अमेरिका और ताइवान की दूरी बने रहने देना चाहता है। लेकिन अगस्त में नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन पिनक गया था। उसने अमेरिका और ताइवान दोनों को धमकी दी। वो पहले से इस दौरे का विरोध कर रहा था, लेकिन जब पेलोसी ताइवान आई तो उन्हें हाथों हाथ लिया गया, खूब स्वागत हुआ। इसके नतीजे में चीन ने ताइवान को घेरकर मिलिट्री ड्रिल की थी, उसकी तरफ कुछ मिसाइलें छोड़े, इशारा किया कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। इन मिसाइलों के दागे जाने के बाद पीएलए के माउथपीस में रॉकेट यूनिट की जमकर तारीफ हुई, उनकी शान में कई कसीदे लिखे गए। सरकार के अंदर भी रॉकेट यूनिट के काम को सराहा गया। माउथपीस ने लिखा, रॉकेट यूनिट किसी भी स्थिति में हमला करने के लिए अहम भूमिका निभा सकता है। यूनिट के पास तेज और शक्तिशाली मिसाइलें हैं। यूनिट जोखिमों और चुनौतियों से लड़ने के लिए तत्पर रहती हैं। जब तारीफों के पीछे जो व्यक्ति था उसका नाम था जनरल ली युचाओ, तो उस वक्त रॉकेट यूनिट के वो हेड हुआ करते थे। युचाओ को 7 महीने पहले साल 2022 की शुरुआत में ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बढ़िया काम किया था। वो साल 1980 में सेना में शामिल हुए थे। मार्च 2015 से अप्रैल 2020 तक अलग अलग बेस के कमांडर रहे। अप्रैल 2020 में ही उन्हें रॉकेट यूनिट का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया था। फिर प्रमोशन के बाद जनवरी 2022 में यूनिट के कमांडर वो बन गए। ये सब बिना जिनपिंग की मर्जी के होना मुमकिन नहीं था। जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि राष्ट्रपति के पास ही चीनी आर्मी की कमान होती है। फिर एक दिन युचाओ अचानक से गायब हो गए। कई तरह की अटकलें लगी कि उन पर खुफिया जानकारी साझा करने का आरोप है, तो कहीं कहा गया कि उन पर करप्शन के केस लगे हुए हैं। ली युचाओ के गायब होने की खबर ने उस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी जब विदेश मंत्री चेन गांग की गुमशुदगी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई थी। लोगों ने इन दो खबरों को जोड़कर देखा, पर कुछ ही दिनों में नए विदेश मंत्री की नियुक्ति कर दी गई। आलोचकों ने कहा कि मामला दबाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नए विदेश मंत्री बनाने के कुछ दिन बाद ही रॉकेट यूनिट के भी नए चीफ मुकर्रर कर दिए गए। उनका नाम है वांग हुबिन। हुबिन साल 1979 में पीएलए में शामिल हुए थे। उन्होंने चीनी नेवी में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और डिप्टी कमांडर के रूप में भी सेवाएं दी हैं और अब जाकर वो चीनी सेना के रॉकेट यूनिट के कमांडर बना दिए गए हैं। अब अपने मूल सवाल की तरफ वापस लौटते हैं कि क्या चीन की सेना में हालात खराब हैं। दो उदाहरणों से इसे समझाते हैं। पहला, रॉकेट यूनिट के अधिकारी की संदिग्ध मौत। वु गुओहुआ रॉकेट यूनिट में डेप्यूटी कमांडर थे। 6 जून को उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पीएलए ने उनकी मौत की वजह सेरेब्रल हैमरेज बताई, लेकिन असल में उनकी मौत कैसे हुई इस बात का पता नहीं चल पाया है। ये भी कहा गया कि चीनी सरकार मौत की खबर को दबा रही है। ये घटना चीनी सेना के अंदर उथल पुथल को बयां करती है। ली युचाओ पर जाँच। रॉकेट यूनिट के चीफ ली युचाओ पर करप्शन का केस चल रहा था, फिर उनका गायब हो जाना और शक पैदा कर रहा था। उसके ऊपर से पूर्व चीनी लेफ्टिनेंट कर्नल के एक ट्वीट ने मामले में और शक पैदा कर दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व चीनी लेफ्टिनेंट कर्नल याओ चेंग ने 29 जून को ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा, रिपोर्टों से पता चलता है कि ली युचाओ का बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, जहां उसके द्वारा चीन के खुफिया सैन्य रहस्य बेचने की आशंका है। इस हंगामे के बाद युचाओ का गायब हो जाना और आनन फानन में उनकी जगह किसी और को उनके पद पर बैठा देना भी चीनी सरकार पर शक पैदा करने वाला था। इसके अलावा भी रॉकेट यूनिट के दूसरे अधिकारी एंटी करप्शन कानून के तहत जांच के दायरे में थे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि एंटी करप्शन कानून क्या है। शी जिनपिंग नवंबर 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी कि सीसीपी के जनरल सेक्रेटरी चुने गए। बतौर जनरल सेक्रेटरी जिनपिंग ने पहला भाषण नवंबर 2012 में दिया। इसमें उन्होंने कहा था, ये एक अटल सत्य है कि अगर भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाई गई तो पार्टी और स्टेट का समूल नाश हो जाएगा, हमें सजग रहना होगा। जनवरी 2013 में उनका एक और संबोधन चर्चा में आया। इसमें उन्होंने वादा किया कि बड़ी और छोटी मछलियों से एक साथ निपटेंगे। उनका इशारा पार्टी के ताकतवर नेताओं और लोकल लेवल पर काम करने वाले छोटे अधिकारियों से था। मार्च 2013 में शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बन गए। अब पार्टी के साथ साथ सरकार की कमान भी उनके हाथों में थी। कुछ समय बाद ही एंटी करप्शन कैंपेन लॉन्च किया गया। सेंट्रल इंस्पेक्शन टीम के अधिकारियों को प्रांतों में भेजा गया। उन्होंने वहां स्थानीय अधिकारियों की जांच की, जो दोषी मिले उन्हें पद से बर्खास्त किया गया। ऐसे लोगों पर मुकदमा चला और उन्हें जेल भी भेजा गया। इसके बाद कैंपेन का मुख बड़ी मछलियों की तरफ मुड़ा।
इसका पहला निशाना बने चाउ योनकांग। चाउ सीसीबी के पोलित ब्यूरो के सदस्य थे और नेशनल सिक्योरिटी चीफ के तौर पर काम कर चुके थे। पोलित ब्यूरो में कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे दिग्गज नेताओं को रखा जाता है। 2013 में एक दिन चुपके से उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, फिर उनके ऊपर जांच बिठाई गई, फिर बंद दरवाजे के अंदर मुकदमा चला। जून 2015 में अदालत ने चाऊ को जीवन भर के लिए जेल भेज दिया। उनकी और उनके परिवार की संपत्ति जब्त कर ली गई। पार्टी के जिन अधिकारियों पर उनका प्रभाव था उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई। चाऊ योनकांग आज भी जेल में है। वो 1949 के बाद की चीन में इतनी कड़ी सजा पाने वाले सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। इस घटना से ये सबक गया कि अगर चाऊ पर शिकंजा कस सकता है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। चीन में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच की जिम्मेदारी सेंट्रल कमिटी फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन यानी कि सीसीडीआई और नेशनल सुपरविजन कमीशन के पास है। सीसीडीआई केंद्र और प्रांत के स्तर पर पार्टी के भीतर के भ्रष्टाचार की जांच करती है। शी जिनपिंग के कार्यकाल में लगभग 40 लाख पार्टी वर्कर्स और 500 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। फिर आया साल 2018। बतौर राष्ट्रपति जिनपिंग का कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा दिया। 2018 में ही एनएससी की स्थापना की गई। इसके बाद एंटी करप्शन कैंपेन का दायरा और विस्तृत हुआ। सरकार ने भगौड़ों की लिस्ट जारी की, कईयों को बाहर से पकड़ कर लाया गया और फिर उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। एनएससी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2020 के बीच लगभग 4000 भगौड़ों को विदेश से अरेस्ट कर लाया गया और उनसे अरबों रुपए की रकम जब्त की गई। इसके अलावा टेक और एंटरटेनमेंट सेक्टर के कई दिग्गजों को अलग अलग आरोपों में जेल भेजा जा चुका है। इन मामलों में एक पैटर्न ये दिखाई देता है कि ये भी अपने अपने सेक्टर में तेजी से पनपने लगे थे। कहा जाता है कि जब भी जिनपिंग को सत्ता का डर सताता है तो इसी कानून का सहारा लेकर वो अपने विरोधियों को ठिकाने लगाते हैं। सेना के बड़े कमांडर पर इसी कानून का इस्तेमाल करना, फिर उनका गायब होना और उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को बैठाना, विदेश मंत्री का गायब होना और उनकी जगह दूसरे शख्स को बैठाना, क्या ये जिनपिंग की सत्ता बचाने की एक नीति है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज का दुनियादारी दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। देश दुनिया की दूसरी खबरों के लिए जुड़े रहें द ललन टॉप के साथ। शुभरात्रि।